नमस्कार दोस्तों, उद्धव सरकार पे भाजपा विधायक नितेश राणे ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और नितेश राणे जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि दिशा शालियान की हत्या हुई है, उससे संबंधित सबूत उनके पास हैं और इस मामले को लेकर के काफ़ी राजनीति गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अब विधायक नितेश राणे ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे उनकी मौत के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहे थे। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर भाजपा विधायक नितेश राणे ने शुक्रवार को विधानसभा में गंभीर आरोप लगाया और उस आरोप में उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान ठाकरे सरकार ने उन्हें अस्पताल में मारने की ही योजना बना ली थी। दिसंबर 2021 में एक शिवसेना कार्यकर्ता की पिटाई से जुड़े मामले में नितेश राणे ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया था और उसके बाद उन्हें 18 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। उस दौरान उनका जो मेडिकल टेस्ट हुआ, उस दौरान एक डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि मेरी हेल्थ को देखते हुए जल्द से जल्द सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी करानी होगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिसके मुझे इनका ये भी कहना था कि न तो उन्हें कोई बीमारी है, न तो उन्हें कोई बीपी है, इसलिए कोई एंजियोग्राफी और सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी के बहाने कुछ ऐसी दवा देने की योजना थी जिससे मेरी मौत हो सकती है। ये बड़ा खुलासा किया है नितेश राणे ने और ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे पर। राणे ने आगे ये भी बताया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में देखने से ये पता चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कम था, मेरा शुगर लेवल लो दिख रहा था, हालांकि रात के 1:30 बजे मुझे छुट्टी दे दी गई थी और 200 पुलिसकर्मियों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया गया। पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेरी हालत ख़राब है, इसलिए पुलिस वहां से निकल गई। राणे ने बताया कि उनके साथ मौजूद कुछ डॉक्टर्स को मुंबई के कलानगर से कॉल आ रहे थे और मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे शरीर में घातक दवाओं का इंजेक्शन लगाकर विषय को अस्थायी रूप से समाप्त कर देने की पूरी प्लानिंग ठाकरे सरकार ने कर रखी थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। तो ये बड़ा आरोप लगा दिया है नितेश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार पर, और जो एक बड़ा ही राजनीतिक माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर कि सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री और उनके परिवार के बीच ये लड़ाई काफ़ी गहरी और लंबी बन गई है और चल रही है। तो चलिए, इससे संबंधित और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।